रामलला के जन्म स्थान अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने से देश का गौरव बढ़ेगा, संसार में देश का डंका बजेगा और देश का भविष्य तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये केवल मंदिर निर्माण नहीं बल्कि देश का भाग्य निर्माण है। राम मंदिर पर यह तेजस्वी उद्गार ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के संस्थापक और राम मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरिजी महाराज ने व्यक्त किए। स्वामी जी ने आज पुष्कर के ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित 30वें वार्षिक उत्सव में भाग लेने पुष्कर आए थे। वैसे तो स्वामी जी को 3 दिन तक महाभारत से जीवन प्रबंधन पर बोलने का कार्यक्रम था, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की 19 फरवरी को आयोजित ट्रस्ट की बैठक के बाद स्वामी जी ने कल बैठक में लिए गए निर्णयों से पीएम नरेंद्र मोदी को अवगत करवाया। स्वामी जी ने पुष्कर में भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी भी मंदिर निर्माण के प्रति बहुत ही उत्साहित है और उन्होंने कहा है कि वे ट्रस्ट के साथ मंदिर निर्माण में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। स्वामी जी ने इस दौरान न्यायालय में जन्मभूमि में रामलीला की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील परासनन और मंदिर मुहिम से जुड़े विहिप नेता अशोक सिंगल के योगदान को भी याद किया। पुष्कर से सीताराम पाराशर की रिपोर्ट। हमारी राम जन्मभूमि को लेकर के जो वार्ता होनी थी उसके होने के पश्चात मैंने उनसे अनुरोध किया किस प्रकार का एक कार्य हम कर रहे हैं और इस वेदर्शी तपोवन का जो उद्घाटन होगा 10 महीनों के पश्चात की बात रहेगी, आपको पधार करके उसका उद्घाटन करना है। उन्होंने कहा मैं अवश्य करूंगा। आप मुझे समय से याद दिला दीजिएगा, मैं अवश्य आपको भेंट करूंगा। भगवान श्री राम ने भी भरत जी से पूछा, अपने सारे अमात्य कुलीन है ना, अच्छे कुल में जन्मे है ना, व्यक्ति के पढ़ा लिखा होने से वह कार्य अच्छा करेगा ऐसा नहीं है। हमारा पढ़ना लिखना ये बहुत बार बाहर की लिपा पोती होती है और हमारी कुलीन का उसका संबंध हमारे डीएनए से होता है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।